Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल जो हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स Am I audible to you? No, ma'am. Yes, ma'am. Then please answer quickly. मैंने पूछा कल कुछ दिक्कत आई है तो आप लोगों को भी पूछ सकते हैं. Nobody is answering. What happened? No, ma'am. No problem. Okay, then. हमने कल पढ़ा था कि कैसे वुमेन जो है स्ट्रगल कर रही थी अपने राइट्स के लिए और किस तरीके से उन्होंने भी ये मूवमेंट ज्वाइन कर रखा था, लिबरल मूवमेंट, और वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्होंने खुद के न्यूज़पेपर्स जो है वो भी स्टार्ट कर दिए थे, अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो है वो उन्होंने बना ली थी और कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग हो या डेमोन्स्ट्रेशंस हो उसमें भी वो लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट इसके बावजूद भी जो है उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे और उनको एज एन ऑब्जर्वर की तरह बिठाया गया था. जो पहली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन्होंने सेटअप करी थी चर्च के अंदर, चर्च का नाम था सेंट पॉल, और वहां पर उनको इस तरीके से ट्रीट किया गया था. अब आगे क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी वो कोशिश कर रही थी कि भाई वो इस मूवमेंट जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था उसको दबा दें और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे 1848 के अंदर. लेकिन फिर भी वो अपनी जो खुद की पावर थी उसको रिस्टोर नहीं कर पा रहे थे, एज इन कि वो जो उनका पहले रूल चला करता था उस तरीके से वापस से पावर में नहीं आ पा रहे थे. ठीक है, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था कि अब हमारी जो है इस तरीके से चीजें नहीं चलेगी और ये जो साइकिल चल रहा था रेवोल्यूशन का कि आए दिन कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा था, रेवोल्यूशनरीज जो थे वो अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ में वापस से मूवमेंट पर निकल जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज हो गया था कि अब इस चीज को अंत करने के लिए और प्रॉपरली रूल करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कंसेशन देना ही पड़ेगा इन लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को, जिससे ये चीज वापस से ना हो और ये लोग प्रॉपरली अपने तरीके से रूल कर पाए. ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो लिबरल मूवमेंट्स को दबाने में तो सक्सेसफुली कर दिया था उन्होंने ये चीज, यानी उनको दबा तो दिया था उनका मूवमेंट, लेकिन वो अपनी पार जो है वापस से ओल्ड ऑर्डर जो था उनका, मोनार्क्स जो चला मोनार्की जो चला करती थी उसको रिस्टोर नहीं कर पाए थे. मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. उन मोनार्क्स को समझ में आ गया था कि अब ये जो बार बार रेवोल्यूशंस चल रहे हैं इसका एक ही अंत है कि बार बार ये जो बार बार ये रेवोल्यूशन करते हैं, फिर हम इनको दबाते हैं और इनके मूवमेंट को बंद करने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. ये चीज तभी बंद हो सकती है, ये बार बार रिपीटेटिव चीज जो चल रही है तभी बंद होगी जब हम इनको कुछ कंसेशन दे देंगे, एज इन इनके साथ में कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. इसीलिए 1848 के बाद के जो साल थे वहां पे autocratic monarchies जो थी वो Central और Eastern Europe के अंदर शुरू कर दिया था उन्होंने एक नया सिस्टम लाने का. ठीक है, जो पहले ही चेंजेस आ चुके थे वेस्टर्न यूरोप के अंदर 1815 के अंदर, वही अब चेंजेस जो है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी अब शुरू हो रहे थे. Thus,
serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions or in Russia. इसीलिए serfdom और जो bonded labor यानी कि वही जो मजदूरी जो चला करती थी पहले से, जो एक तरीके से पूरी तरह उनको बाउंडेड थे वो लोग कि आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा मजदूर की तरह, वो दोनों ही चीजें जो है हटा दी गई. कहाँ पे? हैब्सबर्ग डोमिनियन यानी कि हैब्सबर्ग के जो भी एरियाज थे वहाँ और रशिया के अंदर. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. और हैब्सबर्ग्स के जो रूलर थे उन्होंने और ऑटोनॉमी दे दी थी हंगेरियंस को, यानी कि वहाँ के जो वासी थे सिटीजन्स जो थे हंगरी के 1867 में. ये इस चीज से बिल्कुल डिफरेंट है ये वाली लाइन. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोगों भी पूछ सकते हैं. नो मैम. नो मैम. नो मैम. ओके. द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. अब किस तरीके से जर्मनी फॉर्म हुआ और किस तरीके से इटली जो है वो यूनिफाई हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे. 4.1. जर्मनी के अंदर आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन. अब जर्मनी के अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा था कि आर्मी जो है वो एक नेशन को रूप दे सकती है, एक नेशन वो बना सकती है या फॉर्म कर सकती है. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. 1848 के बाद में वहां जो देशभक्ति की भावना थी यूरोप के अंदर वो एक तरीके से जुड़ चुकी थी पूरी तरह डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ में. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. अब जो nationalist लोग थे उनकी जो भावनाएं थी वो अक्सर किसके साथ में आगे बढ़ती थी? Conservatives जो थे उनके साथ में, कि उनको proper जो promote कर रहे थे वो कि भाई state power में आनी चाहिए और हमें political domination जो है वो चाहिए, यानी कि हमें राजनीतिक तौर पर किसी से दबना नहीं है, हमें proper rights मिलने चाहिए. वो सारी चीजें जो है इनके साथ में बार बार होती थी और इसी भावना के साथ में, यानी ये भावनाएं जो थी इस चीज के साथ में चल रही थी कि हमें अब किसी के साथ में हमें इक्वली ट्रीट करो, हमें कोई दबाए नहीं, हमें प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट मिले, किसी भी तरह की जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए. ये सारी चीजें इसके अंदर इसके आसपास जो है घूमती हैं. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. अब ये सारी चीजें जो हैं आपको समझने को मिलेंगी जब जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड नेशन स्टेट की तरह बना. किसके जितने भी जर्मनी के हिस्से थे अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स थे, अलग अलग किंगडम्स थे, उन लोगों को साथ में यूनिफाई किया गया. और उसी तरह इटली के अंदर भी कई सारे हिस्से थे, अलग अलग राजा लोग हुआ करते थे, अलग अलग जगहों पे वो रूल किया करते थे और वो भी इकट्ठा करके एक यूनिफाइड नेशन की तरह बना. उस सारे प्रोसेस में आपको ये सारी चीजें समझने को मिलेंगी. एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. जैसा कि आपने देखा है कि ये जो देशभक्ति वाली भावना है ये काफी फैल चुकी थी मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में, और उन्होंने कोशिश भी करी थी 1848 के अंदर कि पूरे अलग अलग रीजन्स जो हैं जर्मनी के उनको साथ में लेकर के एक नेशन स्टेट की तरह बनाया जाए और प्रॉपर वहां पे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो. This liberal initiative to nation building was, however, repressed by combined forces of the monarchy and the military. इस लाइन को मार्क कर लीजिए कि ये जो इनका लिबरल इनिशिएटिव था, यानी कि इन्होंने जो शुरुआत करी थी मिडिल क्लास जर्मन लोगों ने नेशन बिल्डिंग की जो शुरुआत करी थी वो किसके द्वारा किनके द्वारा जो है रिप्रेस की गई थी? कंबाइनली दो लोग जो हैं साथ में आए थे, मतलब दो तरह की चीजें हुई थी. एक तो मोनार्क्स जो थे वो मिलिट्री के साथ में मिलकर के उन्होंने इस चीज को दबाया था. साथ ही साथ उन लोगों को किसका सपोर्ट था? जो बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे, यानी कि जो जमींदार थे, उन लोगों का भी इनको सपोर्ट था. तो ये यहाँ पे हमारे पास में तीन चीजें हो गई, मोनार्की, मिलिट्री और लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको बोला जा रहा है जंकर्स, ठीक है, जो प्रूशिया के थे. इन लोगों ने मिलकर के जो लिबरल नेशनलिस्ट रहे हैं उन्होंने जो नेशन बिल्डिंग का इनिशिएटिव लिया था, यानी शुरुआत करी थी, उनको दबाया था. फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन.
तब से ही प्रूशिया जो है वो लीडरशिप में आ गया इस मूवमेंट को लेकर के कि हमें नेशनल यूनिफिकेशन करना है। अब यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वाज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर जो ये नाम आ रहा है, इसके चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, ये आर्किटेक्ट थे इस पूरे प्रोसेस के, यानी कि इन्हीं की वजह से ये जो है प्रॉपर काम हो रहा था। ये किसकी मदद ले रहे थे? प्रूशियन आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी? एनीवन? तो ओटो वॉन बिस्मार्क जो है वो आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के, और उन्होंने उन्होंने हेल्प ली थी प्रूशियन आर्मी की, ठीक है। उनकी प्रूशियन आर्मी की मदद से ही ये चीज हो पाई थी, प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज बेसिकली इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री, यानी काफी सारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जिसके अंदर जो किसके द्वारा चलाया जाता है, काफी अच्छे नंबर्स में ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स यहाँ पे होते हैं, उनकी मदद से इन्होंने और प्रूशियन आर्मी की मदद से इन्होंने इस चीज को शेप दिया था। थ्री वॉर्स ओवर सेवन ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जो किन से लड़ी थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और जीता कौन? प्रूशियन जो लोग थे, यानी कि प्रूशिया जो था वो जीता और उन्होंने यूनिफिकेशन किया। अब जो जो ये लड़ाइयां जीतते जा रहे थे उनको अपने साथ में ये समअप करते हुए जा रहे थे, ठीक है, मिलाते हुए चल रहे थे, इसीलिए यहाँ पर ये चीज लिखी गई है यूनिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ये जब पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन से चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के जिन्होंने इस पूरी चीज को लीड किया था, देन यू हैव टू राइट दिस नेम ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से ये चीज की थी, ठीक है। In January 1871, the Prussian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. इस चीज को भी मार्क कर लीजिएगा, ये जो यूनिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे किया है उसी का ही एक उसी से रिलेटेड बात है कि January 1871 के अंदर Prussian King जो थे वहाँ के William I, वहाँ पर उनको German Emperor की तरह टाइटल दिया गया था एक सेरेमनी के अंदर, और वो सेरेमनी कहाँ हुई थी? वर्सलीज में हुई थी। तो ये जो चीज है वर्सलीज जगह का नाम जो है ये भी आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ कौन से प्रूशियन किंग थे? विलियम फर्स्ट थे, जिनको जर्मन एम्परर के तौर पे यहाँ पे टाइटल दिया गया था, प्रोक्लेम किया गया था, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आई है, जैसे अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर भी किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. Okay. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by केजियर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। अब यहाँ विलियम वन जो हमने ऊपर पढ़ा है प्रूशियन किंग, उन्हीं का पूरा नाम दिया हुआ है केजियर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ठंड वाली मॉर्निंग थी, 18 जनवरी की बात है 1871 की, एक असेंबली जिसके अंदर कौन कौन लोग थे? प्रिंसेस थे अलग अलग जर्मन स्टेट्स के, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स, उनके साथ में ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के ओटो वॉन बिस्मार्क, वो ये सारे ही लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, एक हॉल के अंदर, ठीक है। और वो कहाँ का हॉल था? हॉल ऑफ मिरर्स बोला गया है उसको, जो कि पैलेस में था वर्सलीज के, वर्सलीज का जो महल था वहां पर ये इकट्ठे हुए और वो प्रोक्लेम करने आए थे नए जर्मन एम्पायर को, ठीक है। जो कौन थे? केजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। वैसा होता है ना जब किसी को चुना जाता है तो बेसिकली उसकी एक तरीके से एक मीटिंग होती है, तो उसी चीज के लिए यहाँ पे बोला गया है, असेंबली लगी थी और वहां पे जितने भी यूनिफिकेशन कर दिया था इन्होंने, जिस भी जगह पे इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, वहां के लोगों को, इम्पोर्टेंट जो चीफ मिनिस्टर
चीफ इम्पोर्टेंट पीपल थे, आप समझ सकते हो, जैसे कि प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पूरा शेप अप दिया था, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, ये सारे ही लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर अपनी फर्स्ट असेंबली मीटिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, पहली बात तो ये कि हमारे जो ओटो वन बिस्मार्क थे वो चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, और जो यहाँ के वर्सलीज के अंदर, पैलेस ऑफ वर्सलीज के अंदर जो नए जर्मन एम्पायर जो अपॉइंट किए थे उन्होंने, एज इन उनको प्रोक्लेम किया था, तो उनका नाम जो है केजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कुछ नाम है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। Then the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. अब ये जो nation building process था पूरा कि हमें unified करना है, सारी states को मिलाना है, ठीक है, ये Germany के अंदर चल रहा था, इससे ये समझ में आ गया था कि सबसे ज्यादा दबदबा जो है वो Prussian state का है, वो power में है। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. अब because Prussia जो है वो properly काम कर रहा था, ठीक है, उसने ही लड़ाइयाँ लड़ी एंड देन फिर लोगों को जो स्टेट्स हैं उनको हराया और फिर अपने साथ में यूनिफाइड किया, और इसीलिए क्योंकि यही लीड कर रहा था इस पूरे चीज़ को, यूनिफिकेशन को, तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया था और इसने किए पार में है। दूसरी चीज़, इन्होंने ये एक जो नया स्टेट बनाया था उसकी करेंसी को मॉडर्नाइज करना है, किस तरह की वहाँ की करेंसी चलनी चाहिए, क्या बैंकिंग सिस्टम होगा, क्या लीगल सिस्टम होगा, क्या जुडिशियल सिस्टम होगा जर्मनी के अंदर, वो सारी चीजें यही लोग डिसाइड कर रहे थे। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, जो इनके मेजर्स, जो इनके तौर तरीके थे, जो प्रैक्टिसेस ये लोग करते थे, अक्सर वही एक मॉडल की तरह पूरे जर्मनी के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाता था। इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। नो मैम, नो मैम, ओके। अब है इटली, इसका मैं आपको भी थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम। तो इटली का यूनिफिकेशन भी हुआ था जर्मनी की ही तरह, इसकी भी काफी बड़ी हिस्ट्री रही है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कई सारे राजनीतिक दावपेच देखने को मिलेंगे, किस तरीके से पॉलिटिक्स ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इटालियंस जो है वो अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग स्टेट, डायनेस्टिक स्टेट्स तक फैले हुए थे, और वहां पर एक मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी था, ठीक है, और ये सब बिखरे हुए थे अलग अलग जगह पे। यहाँ पे नीचे आपको इसका एक मैप दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, इटली का, इटालियन स्टेट्स का, और वो भी बिफोर यूनिफिकेशन, यानी कि जब इनका यूनिफिकेशन हुआ नहीं था उससे पहले का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स रहे हैं, जिसमें से मेन आपको नाम जो सुनने को मिलेगा वो है सर्डिनिया का, ठीक है, सेवॉय ऑफ सर्डिनिया, ये दो हिस्सों में है, ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट है, एक इस तरफ में है नॉर्थ साइड में और एक नीचे की साइड में है, ठीक है, और बाकी है लोम्बार्डी, वेनेशिया, फार्मा, मॉडेना, टस्कनी, सैन मरीनो, पेपल स्टेट, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ये इस तरीके से। और यहाँ पर आपको साइड में दे रखा है इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, यहाँ पे जब ये यूनिफाई हो गया था तब किस तरह का इनका वो पूरा रहा था, तो अलग अलग स्टेट्स थी, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, किस तरीके से, कौन से स्टेट ने किस से लड़ाई लड़ी, देन फिर अपने आप को उसके साथ में यूनिफाई किया, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मेन नाम आपको सुनने को मिलेगा वो है सर्डिनिया पिडमोंट का, ठीक है, ये एक तरीके से इटालियन प्रिंसली हाउस था जो इसने काफी ज्यादा आगे जा करके लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद में अपने साथ में लोगों को इकट्ठा किया, एक डोमिनेटिंग किस्म का स्टेट रहा है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। बेसिकली इटली जो है वो डिवाइडेड था 7 स्टेट्स के अंदर, जिसमें से सिर्फ एक सर्डिनिया ही जो था वो एक प्रिंसली, इटालियन प्रिंसली हाउस था जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जिसको दी गई है, बाकी 6 जो है उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, ठीक है, समझ में आया। ये साथ साथ आपको जो मैप्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये आपको अच्छे yes, से ओके okay. ये साथ साथ जो मैप्स जो है ये रेफर किए जा रहे हैं ये आपको साथ में लेकर के पढ़ने हैं, समझने हैं, आप अपनी बुक्स के अंदर हैंड टू हैंड देख लिया करो कि कौन सा मैप जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे आपको
एक तो समझने में दिक्कत नहीं होगी और आगे जाकर के कभी मैथ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको ये इजीली आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि कौन सी जगह कहाँ पर थी, क्या उसकी लोकेशन थी। ठीक है, तो ये इटली का जो यूनिफिकेशन है इसका मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दे दिया है। वी स्टार्ट दिस टॉपिक इन टुमारोज क्लास। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा, हम कल की क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।